रुक करते हैं प्रदेश की ओर। हिमाचल प्रदेश व्रत एवं त्योहारों की धरती है और यहाँ पर कई तरह के व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक व्रत है जिसमें नियम करवा चौथ से भी कठिन है। ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए करती हैं। ये हरितालिका का तीज का व्रत है। इसे पहाड़ी भाषा में चिड़ियों का व्रत भी कहा जाता है। हिमाचल प्रदेश व्रत एवं त्योहारों की धरती है और यहाँ पर कई तरह के व्रत त्योहार मनाए जाते हैं। इन्हीं में से एक व्रत है जिसके नियम करवा चौथ से भी कठिन है। ये व्रत महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए, सौभाग्य प्राप्ति के लिए करती हैं। ये हरितालिका का तीज का व्रत है। इसे पहाड़ी भाषा में चिड़ियों का व्रत भी कहा जाता है। इस व्रत के दौरान महिलाएं समूहों में इकट्ठा होकर नाना प्रकार के फूलों से, फलों से और पत्तों से शिव भगवान की पूजा करती हैं और सौभाग्य प्राप्ति के लिए अपने पति की लंबी आयु के लिए प्रार्थना करती हैं। हालांकि ये व्रत करवा चौथ से भी कठिन है और इस दिन, इस व्रत के दौरान महिलाएं दो दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करती और चौथ के दिन के दूसरे दिन व्रत खोलकर भोजन करती हैं। हालांकि ये व्रत करवा चौथ से भी कठिन है और इस दिन, इस व्रत के दौरान महिलाएं दो दिन अन्न जल ग्रहण नहीं करती और चौथ के दिन के दूसरे दिन व्रत खोलकर भोजन करती हैं और उसके बाद शिव भगवान के दर्शन करती हैं, आरती होती है और ये व्रत पूर्ण होता है। कहते हैं कि इस व्रत को पार्वती माता ने शिव भगवान को पाने के लिए किया था और जंगल में विभिन्न प्रकार के फूलों पत्तों से शिव भगवान की पूजा की थी और उसी की तर्ज पर महिलाएं आज भी बड़े उत्साह के साथ इस व्रत को करती हैं। नवविवाहित दुल्हन की तरह सजी महिलाएं हाथों पर मेहंदी लगाकर पूजा अर्चना करने के उपरांत व्रत को खोलती हैं। शिव जी और पार्वती के उसमें रखा हुआ है पति की लंबी उम्र के लिए और इसमें दो दिन के लिए हम कुछ भी नहीं खाते हैं और ये बहुत अच्छे हर्षोल्लास से मनाया जाता है। हमारे यहाँ पे बहुत अच्छे से मनाया जाता है। व्रत है, इसको अपनी भाषा में चिड़ियों का व्रत भी कहते हैं। तो सबसे पहले पार्वती माता ने इस व्रत को शंकर भगवान को पाने के लिए जंगलों में हिमालय पर्वत के ऊपर इस व्रत को किया था। उसी दिन से इस व्रत का प्रचलन हुआ तो स्त्रियां अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए, पति के साथ चिरंजीवी दीर्घायु प्राप्ति के लिए इस व्रत को किया जाता है। जैसे पार्वती माता ने जंगलों में भिन्न भिन्न प्रकार के फलों से, फूलों से, पत्तों से शंकर भगवान को पाने के लिए इस व्रत को किया था, उसी प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार के पत्र, फूलों, फलों और पत्तों के द्वारा शंकर भगवान की षोडशोपचार से पूजा को किया जाता है। तो इस व्रत का यही विशेष महत्व है।